ये है बंगाली फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां, जो रियल लाइफ के बाद रियल लाइफ में चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। जहां की ये तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई हैं। पहली बार सांसद बनी मिमी और नुसरत वेस्टर्न पहनावे में सोमवार को जब संसद पहुंची तो दोनों ही अभिनेत्रियों ने संसद में जाने से पहले बाहर अपना आई कार्ड दिखाते हुए साथ में फोटो खिंचाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। बस फिर क्या था, कुछ ट्रोलर्स ने कपड़ों को लेकर उनकी खिंचाई करना शुरू कर दिया। विरोधियों को मिमी और नुसरत का बोल्ड अंदाज पसंद नहीं आया। मिमी और नुसरत ने पहले ही दिन पार्लियामेंट के सामने पोज करते हुए फोटो क्लिक कराकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। नुसरत ने लिखा, एक नई शुरुआत, ममता बैनर्जी और मेरे बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का शुक्रिया मुझ पर विश्वास करने के लिए। वहीं मिमी ने लिखा कि अपने सपनों को याद रखो और उनके लिए लड़ो। जैसे ही उन्होंने फोटो शेयर की, उनके पोस्ट पर कमेंट्स आने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने दोनों सांसदों की तस्वीर डालने का समर्थन किया और ट्रोल करने वाले लोगों पर आपत्ति जताई। अब देखिए, इस देश के अंदर जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने क्रिएट किया है, उसमें इस तरह की जो भी चीज़ सामने आएगी उसको ट्रोल तो किया ही जाएगा। और पूरी टीम एक बैठी हुई है, बीजेपी की पेड टीम है जो यही काम करती है। ये पहली बार नहीं है जब मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां को सोशल मीडिया ने निशाना बनाया है। मिमी चक्रवर्ती ने करीब 3 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। वैसे चुनाव प्रचार के दौरान मिमी चक्रवर्ती का एक वीडियो काफी चर्चा में रहा था। इस वीडियो में मिमी चक्रवर्ती आम लोगों से ग्लव्स पहनकर हाथ मिला रही थी। इस पर काफी विवाद हुआ था, हालांकि इसकी वजह उन्होंने हाथ में इंजरी बताई थी। बहरहाल दोनों ने राजनीति में भी अपना सफल डेब्यू कर लिया है। अब देखना ये है कि इस जिम्मेदारी को वो कितनी बखूबी निभाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।